अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क इलाके के डीएस डिग्री कॉलेज में लॉ के 5 छात्रों ने सीएम, कुलपति और प्राचार्य को खून से पत्र लिखा है। छात्रों ने बताया कि डीबीआरएयू द्वारा परीक्षा में करीब 90% फेल किए जाने से उनका भविष्य खराब होता दिख रहा है, इसीलिए सुधार कराने की अपील करते हुए खून से पत्र लिखकर कॉलेज के प्राचार्य को सौंपा है। इसके साथ ही छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया तो प्राचार्य के दरवाजे पर आत्मदाह किया जाएगा। हमने मुख्यमंत्री महोदय को अपने रक्त से पत्र लिखकर अपने भविष्य को बचाने की गुहार लगाई है। आगरा विश्वविद्यालय ने हमारी जो परीक्षाएं हैं वो OMR सीट से कराई थी, जिसका विरोध हमने शुरुआत किया था, लेकिन कुलपति की तानाशाही के चलते हमारी परीक्षाएं OMR से कराई गई, जिसका परिणाम ये निकला कि आज 90 से 95% छात्र फेल हो गए। हमारा भविष्य बर्बाद होने की कगार पर, अतः मुख्यमंत्री जी को हमने पत्र लिख अपने भविष्य को बचाने की गुहार लगाई है। अगर बुधवार या बृहस्पतिवार तक हमारा परिणाम संशोधित करके हमें पासिंग मार्क्स दे के अगर हमें उत्तीर्ण नहीं किया जाता है तो मैं अपने भविष्य को बचाने के लिए ऐसे भविष्य क्या मतलब ऐसे जीने से क्या फ़ायदा, मैं आत्मदाह का करने का कार्य करूँगा। वहीं कॉलेज की कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर बीना अग्रवाल ने बताया कि छात्रों द्वारा लिखे खून से लिखे पत्र को सीएम योगी आदित्यनाथ और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा यूनिवर्सिटी के कुलपति को भेजा जा रहा है। आज यहां प्राचार्य कक्ष में मैंने LLB के छात्रों से 5 छात्रों से उनके खून से लिखा हुआ एक पत्र प्राप्त किया, जिसे मुख्यमंत्री और कुलपति महोदय को फैक्स किया जाना है, जिससे कि उनके जो भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ उसमें संशोधन हो सके। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही छात्र छात्राओं ने कॉलेज में तालाबंदी की थी। पंजाब केसरी टीवी के लिए अलीगढ़ से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।